सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज पूरा देश स्तब्ध है अनंतनाग की घटना से। पूरा देश दुखी है। हमारी सेना और पुलिस के 3 अधिकारी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सेना के 2 जवान आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। और इतना ही नहीं, आर्मी डॉग, सेना का वो जाबाज जानवर केन, उसने भी आतंकवादियों का मुकाबला किया, उसने भी गोली खाई, उसने भी अपनी जान दी, अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी जान दी। देश की सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह जी, जो पंजाब की धरती से आते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी। मेजर आशीष, जो 3 बहनों के अकेले भाई थे, हरियाणा की धरती से आते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी। डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिनके पिता जम्मू कश्मीर की पुलिस में आईजी थे, हुमायूं भट्ट जो अपने पीछे अपने पिता, अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़ के गए। पूरा देश उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। राइफलमैन रवि कुमार और कर्नल मनप्रीत सिंह जी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। मेजर आशीष जी को अभी 15 अगस्त में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया था, उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया था। और इन अधिकारियों की जिंदगी में इनकी बहादुरी से जुड़े हुए तमाम किस्से हैं, कैसे इन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया, कब कब किया। लेकिन जहां एक तरफ पूरे देश को अपने इन महान वीर सपूतों के ऊपर गर्व है, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर धिक्कार है कि जिस तरीके से कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, सेना उनको सलामी दे रही थी, एक पिता नम आंखों से अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा था, लोग चीख रहे थे, मातम मना रहे थे, उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगाकर G20 का जश्न मनाया जा रहा था। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। भारत के प्रधानमंत्री जो किसी ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर ट्वीट कर देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया की तमाम घटनाओं पर अपनी संवेदना जाहिर करते हैं, अफसोस की बात है कितना समय बीत गया। आप जश्न मनाने में व्यस्त थे, जुलूस निकालने में व्यस्त थे, मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त थे, लेकिन अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं पाते। ये किस प्रकार के संवेदनशीलता है आपकी? कैसे आप अपने आप को भारत मां का लाल कहते हैं? कैसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं आप? आपने दावा किया था इस देश में आतंकवादियों का खात्मा होगा,
आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को आप समाप्त करेंगे, कभी पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4 अगस्त को हमारे जवानों के टेंट पे हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, कभी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारे सेना के 2 जवान और आर्मी का वो बहादुर डॉग, वो भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है। एक आर्मी के डॉग को देश की रक्षा की चिंता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपने जवानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, पीड़ा की बात है, दुख की बात है, हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर क्यों ऐसी घटनाओं पर जश्न मना रहे होते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं, उत्तराखंड में शूटिंग में व्यस्त है हमारे देश के प्रधानमंत्री, घंटों बाद उनको होश आया कि नहीं, अब हमको डिस्कवरी की शूटिंग से निकलना चाहिए। कोरोना की महामारी में लाखों लोग देश के अंदर मर रहे होते हैं, शमशान घाट में लाशें बिछी होती हैं, गंगा की घाटों पर लोगों को अंतिम संस्कार करने की जगह नसीब नहीं होती, ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त होते हैं, और जब आतंकवादी हमला हो रहा है, और आतंकवादी हमला कोई एक दिन से नहीं, पिछले 3 दिन से यह हमला हो रहा था, 3 दिन से यह मुकाबला चल रहा था, हमारे सेना के अधिकारी शहीद होते हैं, पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा है, आप जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तब इस देश के लोगों को सोच रहा होगा कि ऐसी संवेदनहीन सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, हमारे शहीदों की शहादत को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करने के लिए भी तैयार नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जैसे ही केजरीवाल साहब की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, उन्होंने हमारे शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने तो देश के लिए कुर्बानी दी है, अब हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने योजना बनाई। क्या हमारे देश की सरकार को, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके परिवारों की, उनसे जुड़े हुए लोगों की चिंता नहीं होती? क्या इतना भी वक्त आपको नहीं मिला सोचने का, विचार करने का कि अरे ये जुलूस 3 दिन के लिए स्थगित कर दें, 2 दिन के लिए स्थगित कर दें? मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि उन परिवारों को का ध्यान रखिए, और जो अधिकतम उनकी आप मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से, नौकरी देके, जमीन देके, जिस तरीके से भी उन परिवारों की आप मदद कर सकते हैं, मदद के लिए आगे आइए। और जिन आतंकवादियों ने हमारे वीर सपूतों की जान ली है, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पता ये चल रहा है कि ये लश्करे तैयबा से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है, जो अब तक की जानकारी सामने आई है, और ये लोग कहां पनप रहे हैं, कहां इनका विस्तार हो रहा है, कोई छुपा नहीं है। पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान, वो भारत के अंदर आतंकवाद के बीज बोता रहता है, और मौका लगने पर वो ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। पाकिस्तान पोषित, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित यह आतंकी घटना और हिंसा का भारत के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो विशेष सत्र सदन का शुरू होने वाला है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भारत की संसद में उठाएगी। हमारे जो बाकी सांसद हैं, मैं और राघव चड्ढा तो सस्पेंड हैं,
अगर बहाल करते हैं तो हम लोग बोलेंगे, और नहीं बहाल करते हैं तो हमारे बाकी के जो सांसद हैं वो इस विषय को देश के सर्वोच्च सदन में उठाएंगे। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी जश्न मन रहा है, अभी आपके ऑफिस के बगल में ही कांग्रेस पार्टी में पटाखे बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, उसका खुशी मनाया जा रहा है, रास्ते बंद है सारे। मुझे, मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस वक्त जो समय है वो हमारे शहीदों के प्रति नमन, उनको अपनी संवेदना व्यक्त करने का, और भारत की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को इस घटना का मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है इसके बारे में सरकार को आके सामने आके बोलना चाहिए और देश को बताना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए। संजय जी, प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तो नहीं बोला लेकिन सनातन पे इंडिया गठबंधन को घेरा है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने का लक्ष्य है इस गठबंधन का और हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे सिर्फ चुनाव में और नफरत फैलाने में व्यस्त रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को देश की भी चिंता करनी चाहिए और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने स्वयं क्या बोला है 30 सेकंड में आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। बोलते हैं सर, आप जो बोलते सर, मैं हमारी हम मानते हैं कि सब हमारे ही लोग हैं इस देश में, पले बड़े सर, इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। अब उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है, इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे है जो इसी प्रकार से जीवन जीते, ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं करते हैं। मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस है। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, व्यू ऑफ लाइफ के, रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो, ये भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है। ये देखिए प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, तो प्रधानमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से बोलेंगे, वो खुद कभी कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है, कभी कहेंगे हिंदू धर्म है। सनातन धर्म पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का तो मानना है, उनका नारा है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, सभी धर्मों के बीच में समन्वय होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। हम किसी के धर्म के खिलाफ ना बोलते हैं ना वो उसको लेके कोई राजनीति करते हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का इस धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। मैं कैसे कह रहा हूं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का काम करते हैं, मैंने उसका प्रमाण दिया था, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में इन लोगों ने खरीदने का काम किया मात्र 5 मिनट के अंदर, 16.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण है भाजपाइयों के खिलाफ प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में। दूसरा, इनका एक उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी है। योगी आदित्यनाथ जी इनके नेता है, उन्होंने तो भगवान की जाति खोज ली, कहने लगे बजरंगबली जी दलित थे आदिवासी थे, बताइए कहा नहीं कहा उन्होंने। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम है और अमित शाह जी बजरंगबली हैं। आप हमारे देवताओं की तुलना नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कर रहे हैं, यह धर्म का अपमान नहीं है। इसी संसद के अंदर एक सांसद महोदय ने क्या कहा था, विस्की में क्या बसे और जिन में क्या बसे और ठर्रे में क्या बसे, उनके बेटे को तो आप कैबिनेट मंत्री के पद से सुशोभित कर रहे हैं। इतिहास पता है आपका भाजपा को,
मैं बताता हूं आपको, मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने मायावती जी को, रिकॉर्ड तलाशी अगर जाके, मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी के 176 विधायक थे और मायावती जी के 60-65 विधायक थे, पहली सरकार बनी थी, पहली सरकार। और उसमें किसका मेला लगवाया था मायावती जी ने? पेरियार का मेला लगवाया था। पेरियार कौन थे? रावण समर्थक थे। बताइए बीजेपी के एक भी नेता ने, मंत्री ने इस्तीफा दिया हो? और इसी डीएमके के साथ दो दो बार सरकार बना चुके हैं, बताइए आप। तो इसलिए हमको भाजपाइयों से नहीं सीखना है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। हम जानते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कैसे निभाना है, क्या उसकी परंपरा है, क्या उसका संदेश है। हिंदू धर्म का संदेश है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अरे हम तो हर पूजा के बाद कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भाजपा ही क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, ये इनका संदेश है। तो इसलिए हिंदू धर्म का कौन नुकसान कर रहा है ये बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, उनका कच्चा चिट्ठा हमारे पास रखा हुआ है। भाजपाइयों का हिंदू धर्म से सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी हिंदू धर्म को लेके किसी भी नेता, चाहे वो उदयनिधि महारन हो, किसी पार्टी का कोई नेता हो, हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे कोई टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है।